Hello and what's up wonderful people, welcome back to the channel Explore Fukre. My name is Kanav and Namaskar Ji. तो ये जो आज की वीडियो है, मैं आपको एक बड़ी ही सुंदर जगह लेके जा रहा हूँ, पर मुझे थोड़ा सा रास्ता गया है भूल. तो आई होप कि मैं आपको सही लोकेशन पे पहुँचा दूँ. सॉरी, खुद भी पहुँच जाऊँ वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं हमेशा आज तक जितनी बार भी गया हूँ तो मैं ऊपर से नीचे वाले रोड पे आया हूँ, नीचे से कभी ऊपर नहीं गया हूँ. तो इस वजह से थोड़ा सा टेंशन है हमको, बाकी तो फर्स्ट क्लास है. तो अब आप देखिए, जैसे ही हम आस्ता आस्ता ऊपर जाते जाएंगे तो व्यू थोड़ा थोड़ा मस्त होता जाएगा, आस्ता आस्ता और ज़्यादा हरियाली होती जाएगी. और जो मेरा पिछला पार्ट था, जो मैंने आपको मिनी पटनी टॉप दिखाया था, तो ये उसी का पार्ट है एक. मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सरप्राइज़ था पर आपको बता देता हूँ. और आप ये देखिए कि दूसरा वाला रोड कितना ज़्यादा सही है, उस वो तो आगे ही सही है, ये वाला और ज़्यादा अलग तरह से है. तो ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स गो. और यहाँ पे अब मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी लोकेशन याद आ रही है, लग रहा है कि सही जा रहा हूँ. ओहो हो हो, ये क्या हुआ, ये रेड कलर कैसे हो गया बीच में? ओहो, ग्रीन तो देखा था, रेड कैसे है? ये इन्होंने कोई दवाई फेंकी है. ओहो, पर व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यार. ओहो, तालाब कितना सही दिख रहा है. और यार मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यार ऐसे बाइक चलाने से ना, खासकर बुलेट रॉयल इनफील्ड 350 चलाने की वजह से, मुझे लग रहा है कि मेरे बैक में ना कोई नर्व वगैरह प्रेस हो गई है उसकी वाइब्रेशन से, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कतों का सामना कर रहा है. और मेरी बाइक स्प्लेंडर फेवरेट इसलिए बन गई हुई है क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है. और आपको मैं जैसे बता रहा था, गर्मियों में इसके ऊपर आम लगे होते हैं, क्योंकि ये किसी की प्राइवेट लैंड तो है नहीं है, इतने आम लगे होते हैं ना इस पर, सच्ची बोल रहा हूँ. अगर आप कभी आओ तो यहाँ से आम तोड़ तोड़ के खाना, बहुत बहुत मज़ा आता है. और अगर आप कभी, जैसे आप अगर मेरा व्लॉग देखते हो और आप हमारे आसपास जम्मू में ही कहीं रहते हो, अगर आप कोई छोटी मोटी राइड प्लान करना चाहते हो मेरे साथ, तो आपका हार्दिक स्वागत है. आप लोग ज़रूर, अगर आप लोग जा सकते हो, मतलब आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहता है, वो आप आराम से, और आपने राइड की हुई है तो आप आराम से राइड कर सकते हो मेरे साथ. आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम वगैरह करो, आप आराम से मेरे साथ जा सकते हो, कोई इशू नहीं है. मैं बहुत खुश होता हूँ कंपनी के साथ. और यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है. ओह शाबाश. और प्रोजेक्ट तो मुझे लग रहा है उन्होंने सारे पहाड़ी काट दिए हुए हैं मिट्टी और पत्थर निकालने के लिए. सो बैड. तो अब आप कीजिए एक अच्छा सा म्यूजिक एंजॉय और लेट्स गो. ये उसके साथ कनेक्ट करेगा पूरा रास्ता. तो ये अब तो यही मैं इसलिए कह रहा था कि ये रास्ता अब ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा था. तो अब आप देखते जाओ. ओह, और आगे से ट्रक आ रहा है और मुझे ये रास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ट्रक के आने से पहले मुड़ जाएंगे. तो यही रास्ता है मुझे लग रहा है जो रिंग रोड से आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा आगे जाके. तो ये वही पुराना मिनी टॉप वाला रास्ता है, तो इन्होंने पूरी पहाड़ी काट दी हुई है, देखो ज़रा भाई, सच एन इनक्रेडिबल प्रोजेक्ट. ट्रैक्टरों से थोड़ा सावधान, और आगे धूल ही धूल होगी, कैमरा पे लग जाएगी. तो मैं कह रहा हूँ ना, ये रिंग रोड से जब ये निकलेगा ना, तो नगरोटा जाने में कितनी आसानी हो जाएगी, पर यहाँ पे कितने पहाड़ कटेंगे अभी पूरे के पूरे. ये भी मुझे लग रहा है काट के बनाया, क्योंकि अभी तक तो हम कभी आए नहीं यहाँ. ये रास्ता तो पता नहीं कहाँ जा रहा है.
तो ये ट्रैक्टरों से ही खुद के निकाल रहे हैं, पूरा का पूरा पहाड़ काटेंगे। तो ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो रही है यार। और रिंग रोड जब यहाँ से निकलेगा ना यार, कसम से ये यहाँ पे मतलब आप लगा लो हिसाब, अभी जैसे धूप निकली हुई है ना बाहर, अगर आपको लगेगा थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर है जितना भी, उससे हमेशा यहाँ ठंडा होगा, और अभी भी यहाँ पे ठंडा लग रहा है उससे ज़्यादा। तो वो आप हिसाब लगा सकते हो कितनी तगड़ी जगह है ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये सारा उन्होंने पहाड़ काट दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसा कभी था ही नहीं, ना यहाँ पे कोई रोड था। और मैंने अच्छा किया, मैं नीचे वाली साइड से आया, तो ऊपर से आज तक मैं सिर्फ ऊपर वाली साइड से ही आया हूँ। और मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं दिखा, और ये यहाँ से आगे से भी निकलता है रास्ता, तो लेट मी ट्राई। ओहो क्या रास्ता है यार, मेरा फेवरेट। ये देखो ये तो पुराना पुल है बहुत। हो ये भी आगे घूम के किसी के घर के पास निकल जाता है। ये सारा रास्ता ऐसे ही बनाया है। तो जैसे कि यहाँ पे तो मैं बाइक पे बैठा हूँ, पर मैं ये जगह देख के हैरान हो गया हूँ यार, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं इस जगह पे आया था तो ये जगह बिल्कुल ऐसी नहीं दिख रही थी, और अब ये पूरी चेंज हो गई हुई है। तो जो मैं आपको अभी बैक कैमरा से दिखाता हूँ, जहाँ पे मैं पिछली वीडियो में मिनी पटनी टॉप आपको लेके गया था ना, वो सेम लोकेशन यहाँ से कैसे दिखती है आपको मैं वो भी दिखाता हूँ, और ये कैसे चेंज हो गई है अगर मैं आपको बताऊँ तो। ये चेंज कैसे हो गई है, जब मैं आया था ना तो ये ऐसा कुछ भी इन्होंने खोदा नहीं था, और वो जो हमारे बैक साइड पर दिख रहा है जो वो स्ट्रक्चर सा खड़ा किया हुआ है, ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल बिल्कुल प्लेन था। मैं यहाँ पे काफ़ी बार बाइक चला चुका हूँ, पर अब ये चेंज हो गया यार, बिल्कुल चेंज हो गया हुआ। तो मैं आपको बैक कैमरा से बताता हूँ मैं जहाँ पे वो पिछली लोकेशन, तो वो जो आपको टॉवर दिख रहा है ये जो बड़ा करने से क्लैरिटी कम हो गई, पर ये जो टॉवर आपको दिखा ना, ये वो यही वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पे हम सॉरी तो यही वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पे हम गए थे पिछली बार, यही चीज़ को मिनी पटनी टॉप बोल रहे थे, और यहाँ से ही ये रास्ता निकल रहा है। आप अभी हिसाब लगा लो, तो यहाँ पे भी ये कुछ कर रहे हैं, तो सॉरी सूरज बाबा ज़्यादा हो गए, नहीं लाइट ज़्यादा है। तो ये जो रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन है, ये इस तरफ से ये पूरा रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस तरफ भी ट्रक कुछ डाल रहे हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि रिंग रोड बन कैसे रहा है। तो ये इस तरफ भी मुझे लग रहा है टनल टाइप कुछ बनाने लगे हैं। और भाई साहब मैं तो हैरान हो गया हूँ जगह ही देख के, मैं तो कुछ दिखाने आया था, यहाँ पे तो कुछ दिखने लग गया है मुझे खुद को ही। और ये अब जो मैं अब घूम के जाता हूँ, अब आपको हरियाली दिखाता हूँ ऊपर जाके, तो आप खुद ही हिसाब लगाओ यहाँ पे कैसे इन्होंने चेंज किया है इतना कुछ। Like a bird on a tree, I'm just sitting here.